आयुर्वेद में सबसे सुरक्षित और कोई तरह से हानि न करने वाले कामयाब नुस्खे की जानकारी। इसके लिए आपको यह करना पड़ेगा, बढ़िया अश्वगंधा 50 ग्राम इसको एक पाव दूध के अंदर डाल के और एक उफान आए फिर निकाल के धूप में सुखा लें। अश्वगंधा 50 ग्राम, सतावरी 50 ग्राम, गोखरू 50 ग्राम, ताल मखाना 50 ग्राम, धागे वाली मिश्री 50 ग्राम, 3-2-5 चीजें हुई हैं, सभी को बारीक पीस करके इसका मिश्रण बना के और कांच की बरनी में भर लें। एक एक चम्मच सुबह और रात को लगातार अगर 3 महीना इसको ले लेंगे आप तो दूध के साथ कोई तरह की कमजोरी आपके शरीर में आ ही नहीं सकती है। शाम का खाना हल्का खाएं, शाम को खट्टी चीज का सेवन न करें, बिस्तर पर जाने से पहले दूध जरूर पिए। संभोग से पहले माहौल अच्छा बनाए, खुद से ज्यादा अपने साथी को खुश रखने की कोशिश करें। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। आगे लिखते हैं कि मर्दाना शक्ति को बढ़ाने के लिए सबसे सस्ता और आसान देसी नुस्खा क्या है आप बताएं, पौष्टिक आहार बताएं ताकि नियमित प्रयोग में लिया जा सके। तो इसके लिए नंबर 1 अश्वगंधा पौधा मर्दाना कमजोरी को दूर करने के लिए शक्ति बढ़ाने में मदद कर सकता है। काजू में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो मर्दाना शक्ति को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। खजूर में पोटेशियम, फाइबर और विटामिन होते हैं जो शक्ति बढ़ाने में काम कर सकते हैं। सतावरी का सेवन मर्दाना स्वास्थ्य को बढ़ाने में मदद कर सकता है। अलसी के बीज निम्नांश होता है जो मर्दाना कमजोरी को कम करने में मदद कर सकता है। ये नुस्खे नियमित रूप से उपयोग लाने पर मर्दाना शक्ति में सुधार लाने पर मदद कर सकते हैं। यदि किसी भी समस्या के लिए लाइसेंस्ड प्रोफेशनल से परामर्श लेना सर्वोत्तम होता है। कुछ चीजें और होती है ताकत बढ़ाने के लिए, उनका जिक्र क्यों नहीं आता है मैं खुद हैरत में हूं। चलो मैं बता देता हूं। आयुर्वेद में खांसी बुखार की कमजोरी के बाद
एक महीना तक शीतोफलादि चूर्ण वैद्यनाथ का दिन में तीन बार शहद के साथ चाटे तो आदमी वापस तगड़ा हो जाता है। दूसरा, जिन लोगों को भूख नहीं लगती है, भूख भूख खिलाते रहते हैं, भूख नहीं लगी, तो उनके लिए द्राक्षा साव, कोई महंगा आइटम नहीं है, द्राक्षा साव अच्छी फार्मेसी का लाके दो ढाई चम्मच सुबह, दो ढाई चम्मच रात को भोजन के बाद पानी मिला करके सेवन करेंगे। मैं लिख के देता हूँ कि एक महीने में 3 किलो वजन बढ़ेगा। इसी तरह कब्ज की दवाइयाँ बहुत आयुर्वेद में ले आते हैं, जिनमें लेगजिटिव मिला होता है, उसकी जगह आप अभयारिष्ट एक बोतल लाएं। अभयारिष्ट एक बोतल, अंगूरा सव एक बोतल और अगर शरीर के अंदर और कोई बीमारी नहीं है तो ये दो ही काफ़ी है, तो आधा कप यानी कि ढाई चम्मच इसके, ढाई चम्मच इसके, उतना ही पानी ये सुबह ले खाना खाने के बाद, ये रात को ले। अभयारिष्ट बना है गंवार पाटे से, आपकी कब्जियत को खत्म कर देंगे और आपकी आंतों को बिना कोई हानि पहुंचाए लाभ करेंगे। जिनको बहुत ज़्यादा कब्ज होती है तो बाजार से 10-20 रुपये का एलोवा खरीद के लाए, इसको एलोवा भी बोलते हैं, एलू भी बोलते हैं, और ये गंवार पाटे को सुखा करके ऊपर जो गोंद आती है उनके, उनको इकट्ठा करके ये बनाते हैं, तो इसकी खुराक है एक चने के बराबर। ये सुबह शाम दूध से लें, आपको पेट साफ होगा और कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। इसके अलावा कहीं आप ऐसी जगह फंस गए कि आप दवा ले जाना भूल गए और वहाँ मिलती नहीं है, ऐसी परिस्थिति के अंदर बालू मिट्टी होती है रेगिस्तानी, जो रेत के दौरों पे होती है बालू मिट्टी, एक मुट्ठी मिट्टी मुंह में डाल करके पानी पी के सो जाएं, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, सुबह एकदम साफ होगा। ये प्रयोग संत महात्माओं का है, रोज ना करें। थैंक्स।